बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। किसानों को डीजल अनुदान के रूप में मिलने वाले 60 रुपए को बढ़ाकर अब 75 रुपए कर दी गई है। सुखाड़ से परेशान किसानों के लिए ये काफी अच्छी खबर है। डीजल अनुदान की राशि बढ़ने से किसानों को काफी सहूलियत होगी। आपको बता दें कि राज्य में कम वर्षा के कारण सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने डीजल पंप सेट से पटवन के लिए डीजल अनुदान की व्यवस्था की है। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर प्रति लीटर 60 रुपए के अनुदान देने का प्रावधान था, जिसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डीजल अनुदान को 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपए करने की स्वीकृति दी गई। इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि कुछ समय पहले ही मंत्रिमंडल ने प्रति लीटर 60 रुपए की दर से डीजल अनुदान के लिए 29,95,00,000 रुपए स्वीकृत किए। हाल में यह महसूस किया गया कि डीजल की जो दर चल रही है उसमें 60 रुपए का अनुदान कम है। इसके बाद मंत्रिमंडल ने अनुदान को प्रति लीटर 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत का अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार 75 रुपए की दर से 750 रुपए किसानों को दिए जाएंगे। धान का बिचरा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी पैच। खरीफ फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए कृषकों को प्रति एकड़ 2250 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि डीजल अनुदान के लिए किसानों से 29 जुलाई 2022 से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक सरकार को 26,528 आवेदन मिले हैं, जिनका सत्यापन कर अनुदान की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि डीजल अनुदान का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को दिया जाएगा। किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप विक्रेता से डीजल खरीदने का कंप्यूटराइज्ड वाउचर अपलोड करना बेहद जरूरी है। किसानों ने खरीदे गए डीजल का उपयोग सिंचाई के लिए ही किया है, इसकी जांच संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक करेंगे। ऑनलाइन मिले आवेदनों को अधिकतम 10 दिनों के अंदर निष्पादित कर दिया जाएगा और राशि किसानों के बैंक खाते में DBT कर दी जाएगी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि डीजल अनुदान योजना का नियमित अनुश्रवण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी के स्तर पर होगी। DM के स्तर पर योजना का अनुश्रवण होगा। सरकार के निर्देश के आलोक में DM द्वारा प्रत्येक दिन कृषि टास्क फोर्स की बैठक होगी, जिसमें डीजल अनुदान वितरण की समीक्षा होगी। आपको बता दें कि डीजल अनुदान की राशि पर 15 रुपए की बढ़ोतरी से किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट।